पे था? 3 मीटर पे। 1 पॉइंट था 2, कितने पे था यहां से? 5 मीटर, दोनों वर्टिकली बिलो। अब आपको बोलता है कि इन दोनों पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेसेस का रेशियो कितना हो। बूजी ने इसका फॉर्मूला बोलो, सिग्मा जेड इज इक्वल टू, सबके सब बोलो, क्यू डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। करेक्ट है फॉर्मूला? 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। कुछ लोग अभी भी सिर हिला रहे हैं। करेक्ट है, कोई बात नहीं, तुम जैसे ही बनाओगे पेपर में वैसा एक ऑप्शन रहेगा। ठीक, ये कितना आ गया? आर वाई जेड का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर कोई पॉइंट वर्टिकली जस्ट एक ही लाइन पे, ये जो लाइन है मेरी सीध में, तो मैं बोलूंगी कि इनका मेरे को ये डिस्टेंस तो मिल रहा है, बट लेटरल डिस्टेंस नहीं, ये सब मेरी सीध में। बट यहां पर जो स्टूडेंट है इसका ये डिस्टेंस भी है और लेटरल डिस्टेंस भी मिल रहा है। ये पॉइंट कैसा था? वर्टिकली बिलो। तो दोनों केस में आर की वैल्यू क्या थी? जीरो। अगर मैं आर को जीरो कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये आर को जीरो करो, गणित लगाओ तो कितना आएगा? 1। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये हो गया। अब अगर मैं इसकी जगह वेस्टरगार्ड भी बोलती तो भी सही होता, क्योंकि बाद में ये 3/2 पाई और क्यू ये कैंसल होगा ही। मतलब अगर आपको एक पॉइंट लोड के नीचे दो पॉइंट दिया वर्टिकली नीचे और बोला कि यहाँ पर स्ट्रेस का रेशियो निकालो और लोड नहीं भी दिया रहा, ठीक, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यू तो कैंसल होना है। कैसे कैंसल होगा यहाँ पर देखो। एट पॉइंट वन पे ये हो जाएगा आपका सिग्मा जेड वन, क्यू को वैसे ही रहने दो, मत करो कन्वर्ट। जेड कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक। एट पॉइंट टू, ठीक, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड टू कितना हो जाएगा आपका? क्यू डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्यू क्या था? लोड था, वो वर्टिकल लोड जो लग रहा था। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि उसी ओपन कर देंगे सर है, उसी की वैल्यू क्या आ रही है? लोड की वैल्यू टॉप से आ रही है, सेम लोड है, ठीक। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेशियो निकालना था सिग्मा जेड वन डिवाइडेड बाय सिग्मा जेड टू, क्या हो जाएगा आपका? क्यू डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्यू डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25/9। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको क्वेश्चन ना बना के एक फॉर्मूला बना, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, सिग्मा जेड वन बाय सिग्मा जेड टू इज इक्वल टू जेड टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड वन स्क्वायर। मतलब कोई पॉइंट जब किसी लोड के जस्ट नीचे है, यानी वर्टिकली बिलो है, तो उसमें स्ट्रेसेस का रेशियो आता है उनके डेप्थ के स्क्वायर का इनवर्स। ये इनवर्स आया। अब इसमें अगर मैं बूजीनेस की जगह वेस्टरगार्ड लगाती, अंतर कितना आता? 1/5 पाई का, वो भी क्या होना था? कैंसर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर वर्टिकल लोड के जस्ट नीचे लाइन में अगर पॉइंट दिया और पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में चाहे बूजीनेस को चाहे वेस्टरगार्ड हो, दोनों का रिजल्ट क्या मिलता है? सेम। दोनों सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? डेप्थ पे। करिए नोट इसको, क्वेश्चन नंबर में बता दूंगी अभी, करो नोट, करो नोट।